हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी बाड़मेर जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू के दिन जिले में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जिले में रविवार को 458 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। डिप्टी सीएमएचओ प्रेमचंद दीपन के मुताबिक 1250 सैंपलिंग की जांच रिपोर्ट रविवार को 458 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2006 पहुंच गई है। हालांकि रविवार को 45 रोगी रिकवरी हुई, लेकिन 11% की बढ़ोतरी के साथ जिले की पॉजिटिविटी रेट रविवार को 36.64% हो गई है। जिले के कुल एक्टिव केस 2006 में से बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 मरीज भर्ती हैं और बालोतरा अस्पताल में 1 कोरोना का मरीज भर्ती है। इसके अलावा 2000 रोगी अपने घरों में आइसोलेट रहकर इलाज ले रहे हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर पीसी दीपन, इन्होंने ये कहा, एवरेज जो सैंपल जो है वो करीब 2000 के आसपास हम सैंपल ले रहे हैं डेली। उसमें से 1250 सैंपल की कल जांच हुई थी, उसमें से 458 जो है वो पॉजिटिव आए थे और 792 नेगेटिव आए थे। 60-70% जो मरीज़ है उनके कोई लक्षण नहीं है और 30-40% पेशेंट के ही बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, गले में खराश है या डायरिया है, वो हो रहे हैं। बाकी 70% मरीजों के कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं। अस्पताल में अभी अपने वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाड़मेर के अंदर जो है वो टोटल अपने 5 पेशेंट है, यहाँ पर 1 पेशेंट अपने बालोतरा सरकारी अस्पताल में है, तो कुल 6 पेशेंट एडमिट है। उसमें HRCT वाला केवल 1 पेशेंट है जो जिला अस्पताल बाड़मेर में भर्ती है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।